तो दोस्तों, आज फिर एक नए दिन की शुरुआत, एक नई जगह देखने जा रहे हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं हमटा पास। दोस्तों, समय हुआ है सुबह 9:10 और मैं निकल चुका हूँ अपनी नई मंजिल की तरफ, जिसका नाम है हमटा पास। हमटा पास मनाली से लगभग 30 किलोमीटर ऊंचाई पर है। जी हाँ, सही सुना, ऊंचाई पर है। मैं आगे या दूर या डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हाइट की बात कर रहा हूँ। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये व्यास रिवर पर बना हुआ है। इसके नीचे से व्यास रिवर निकल रही है और हम जा रहे हैं हमटा पास, क्योंकि ये रोहतांग पास से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है और इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होता है। और आज पूरे चांसेस हैं स्नोफॉल के, क्योंकि आज आप मौसम देख सकते हैं कितना ख़राब है। बादल ही बादल आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं और धूप कम है। आपको हमटा पास जाने के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आगे यहाँ पर एक बैरिकेडिंग पड़ेगा जिसको हमें क्रॉस करना है। तो याद रखें, टाइमिंग फिक्स है इसकी, कम से कम 9 ही खुलता है, इससे पहले ही नहीं खुलता है। और अगर आप गूगल पर भी इसका मैप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। हमटा पास जाने के लिए एक पर्सनल रोड का यूज़ किया जाता है, जो यहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का देन है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है। पहले हम यहाँ से एक पर्ची लेंगे, उसके बाद जाएंगे। इसका आपको कोई शुल्क नहीं देना होता, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है ताकि ये पता रहे कि ऊपर कितनी गाड़ियाँ गई हैं और कितनी गाड़ियाँ वापस आई हैं। हमटा पास बहुत ही ज़्यादा सुंदर इलाका है। अगर हम बात करें सोलांग वैली की, तो अगर आपको सोलांग वैली में कम स्नो मिलता है, तो उसकी कंपैरिजन में हमटा पास में बहुत ज़्यादा स्नो मिलता है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, नीचे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। और आसपास के इलाके में, ये देखिए आप नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है और यहाँ से आसपास के एरिया में, उस स्टेट्स में, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। तो हमटा पास की रोड की बात करूँ तो रोड बहुत ही ज़्यादा मोड़दार है, बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं इसमें और ऑफ रोडिंग है। तो यहाँ पर आप कार लेकर अगर अपनी पर्सनल आ रहे हैं तो संभाल कर चलाएं, क्योंकि यहाँ की रोड काफ़ी टूटी हुई है। टूटी हुई इसलिए है क्योंकि ये BRO ने नहीं बनाई, बल्कि एक पर्सनल रोड है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों, आपको गूगल पर भी इसका मैप नहीं मिलेगा, कभी आप सोचें। तो लोकल लोगों से आप बात करके यहाँ आ सकते हैं। हमने फ़िलहाल अपनी कैब की हुई है और कैब ड्राइवर ने हमको बताया कि यहाँ की रोड पर बहुत ज़्यादा स्नो मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, आपको ज़्यादा ऊंचाई का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रोहतांग पास की भी ऊंचाई कम है हमटा पास के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ज़्यादा बर्फ पड़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, हम लोग लगभग अब हमटा पास आ ही चुके हैं। यहाँ से हमटा पास सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया है और देख सकते हैं आप, स्नो आ चुका है सड़क पर, तो स्नो दिखने लगा है। बस हमें बहुत सारा स्नो चाहिए दोस्तों, इतने से क्या, हम इतना तो हमें सोलांग वैली पर भी मिल सकता था। तो मैंने पूछा अपने ड्राइवर साहब से, चिरंजीव भाई ने बताया है कि डोंट वरी सर, आपको काफ़ी स्नो मिलेगा। देखिए, रोड पर तो हमको स्नो अब दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक आइस इस समय जमा हुआ है। इस पर गाड़ी चलाना दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। आप देख सकते हैं गाड़ी को स्लो किया जा रहा है ताकि गाड़ी स्लिप ना हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, जिसका हमें इंतज़ार था, हमें इग्लू दिख गए हैं। ये हैं इग्लू हाउसेस, आप इसमें रह सकते हैं। सिर्फ रेंट है 5,000 रुपया एक रात का, जिसमें आपको लंच और डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो आप स्टे कर सकते हैं हमटा पास में, और सच बताऊं तो आपको स्नोफॉल ही स्नोफॉल मिलेगा। और ये हाउसेज इसलिए बनाए हैं कि अगर लोगों की गाड़ियां यहां फंस जाएं, तो ऐसा ना हो कि लोग परेशान हो जाएं। गाड़ियां फंसेंगी तो इग्नू हाउसेज में आप रह सकते हैं। यहां खाने पीने की, रहने की व्यवस्था है और अंदर आपको लाइट भी मिलेगी, लेटने के लिए बेड भी मिलेगा। और ये देखिए, एक नाला है, यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और नीचे की साइड जा रहा है। तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये, यहाँ पर जाना मना होता है, लेकिन यहाँ से, क्योंकि अभी इस समय खुला हुआ है, तो आप जा सकते हैं। हमटा पास बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, लेकिन थोड़ी, हाँ, रास्ता बहुत ख़राब है दोस्तों। अगर इस रास्ते पर बर्फ़ पड़ जाए तो गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बिना यार बर्फ़ के गाड़ी इतनी मुश्किल से यहाँ चल पा रही है। और देखो यार, मौसम कितना ख़राब है, सामने देखो वो जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो कितने धुंधले चमक रहे हैं ना। तो यहाँ पर मौसम ख़राब होता हुआ है, और मौसम ख़राब होना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है तो आइस या स्नोफॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और हमारे चिरंजीव भाई को इस बात से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये इस बात से तो खुश है कि स्नोफॉल होगा तो हमें देखने को मिलेगा, हम खुश तो ये खुश, लेकिन इन्हें परेशानी ये है कि जब
गाड़ी को चलाया जाएगा स्नो में, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। और जिस बात की मैं बात कर रहा था कि मैं थोड़ा सैड था कि भाई स्नो तो है नहीं, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ स्नो खूब है भाई। देखो सोलांग वैली में बिल्कुल भी स्नो नहीं था और यहाँ पर सड़क पर है भाई साहब, तो इसका मतलब हम स्नो तो मिलेगा, अब कितना मिलेगा ये नहीं पता। स्नोफॉल देखने आए हैं और स्नोफॉल के पास आज पूरे पूरे चांसेस भी हैं। और ये देखिए वैली कितनी सफ़ेद हुई पड़ी है, आप देख रहे हैं बर्फ ही बर्फ है, पूरी वैली सफ़ेद है। और ये ब्रिज, वाह, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रिज इसलिए बने हैं क्योंकि वाटरफॉल बहुत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाले भी हैं, वाटरफॉल है, और यहाँ से हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो पावर प्लांट का, उसकी वजह से यहाँ से रिवर भी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्रिजेस हैं। और आप देख रहे हैं कि आइस कितना ज़्यादा हो चुका है और हमें और ज़्यादा की ज़रूरत है, इसलिए हम आगे जाएंगे। तो हमारे चिरंजीव भाई ने बोला है कि हमें ये उस अंतिम छोर तक ले जाएंगे जहाँ तक गाड़ी जा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले हैं और चिरंजीव भाई का कहना है कि जहाँ तक जाएगी ना गाड़ी सर, हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। तो स्नो देखकर जो दिल को सुकून मिलता ना मनाली आकर, वो कहीं और जगह जाकर मिलते ही नहीं दोस्तों। सच बता रहा हूँ कि मैं बहुत जगह घूमा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो सिर्फ मनाली में आता है। और ये देखिए, ये है दोस्तों हमटा पास, हम इस समय हमटा पास आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना स्नो है, इस पहाड़ पर हमें ऊपर चढ़ जाना है, लेकिन गाड़ी नहीं रुक रहे हैं हमारे चिरंजीव भाई। इनका कहना है कि जब तक गाड़ी जाएगी मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। तो काफ़ी आगे आ चुके हैं हमटा पास से, अब हम चल रहे हैं आगे, थोड़ा और आगे जाएंगे ताकि हमें स्नो मिल जाए, थोड़ा और ज़्यादा फ्रेश मिलेगा। काफ़ी स्नो है दोस्तों यहाँ, आप देख सकते हैं साइड में, आप देखें अगर राइट हैंड पर पहाड़ पर बहुत स्नो है, और काफ़ी लगभग 3-4 फीट का ये स्नो है, तो ये काफ़ी होता है, 2 फीट भी बहुत होता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये पानी जो जम रहा है ना रोड पर, ये रात को बहुत परेशान करता है दोस्तों, ये ब्लैक आइस बन जाता है और गाड़ियाँ नहीं चलती इसके ऊपर, बहुत मुश्किल होता है। ये दोस्तों हम आ चुके हैं और देखिए स्नोफॉल होने लगा है दोस्तों, हल्का हल्का देख रहे हैं आप फील कर सकते हैं हल्का हल्का स्नोफॉल है, और इसीलिए हमारी रज्जो दांत दिखाती हुई और आशि भागती हुई, ये स्नोफॉल हो रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं हल्का हल्का स्नोफॉल पड़ने लगा है, और ये देखिए कैमरामैन हमारे पीछे पीछे हैं ताकि हमारे फ़ोटो ले सकें, और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज मैं क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिला। ये एक ड्रीम होता है यार, मतलब अगर आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहाँ स्नोफॉल होता है और आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, मूवीज़ में या वीडियोज़ में देखा है, तो बहुत ही सुकून मिलता है यार देखकर। ये देखो भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा, स्नोफॉल हो रहा है। आप देखो अभी ये जो ब्राउन ब्राउन चमक रहा है ना, आपको जो भी पार्ट ब्राउन चमक रहा है ये सब का सब सफ़ेद हो जाना है, बिल्कुल सब जगह सफ़ेद ही सफ़ेद आपको दिखेगी चीज़ें। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यार, पूरी वैली आप देख रहे हो ना यार, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और ये अभी पेड़ हरे हैं, थोड़ी देर में ये सफ़ेद हो जाने हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे। और ये हाल है दोस्तों, देखो ये हाल हो जाता है, अभी तो स्नो पड़ा भी नहीं है, समझ रहे हैं, अभी तो पुराना स्नो है, और देखो गाड़ी नहीं निकल पा रही है, ये गाड़ी 4x4 है, इसके चारों पहिए घूमते हैं तब ये गाड़ी नहीं घूम पा रही। अब देख रहे हो कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं आशि को बता रहा हूँ कि थोड़ा साइड में हो जाए, देखिए ये देखा आपने कैसे वो इंसान गिर गया। तो भैया देखिए गाड़ी ऐसे अगर फंस जाती है ना, तो स्नोफॉल से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल होता है, और अभी स्नो पड़ा भी नहीं है तब ये गाड़ियों की हाल है। और हम चल रहे हैं थोड़ा और आगे, वहाँ आगे तक हमें जाना है, सब जगह अब मुझे स्नो ही स्नो दिख रहा है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्नो के लिए हम आए थे और स्नो हमें मिला, और साथ में एक गिफ्ट मिला नेचर का, जिसे कहते हैं स्नोफॉल। ये देखिए स्नोफॉल में आशि फॉल, आशि भी गिर गई है फिसल कर, देखिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है स्नो, ये जो स्नो है जैसे फ्रेश है तो उसमें तो हम चल पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पैर धंस जाते हैं, और अगर थोड़ी देर हो जाती है ना स्नो को पड़े पड़े या उस पर गाड़ी निकल जाए तो वो थोड़ी स्लिपरी हो जाती है, वहाँ पर पैर फिसलता है। ये देखिए रोड पर स्नो ही स्नो है और काफ़ी ज़्यादा स्नो और फ्रेश स्नो, बहुत ही मतलब दिल मतलब गुदगुदा रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर कुछ इग्लू हाउसेज हैं, वैसे मन था मेरा कि इग्लू हाउस में रुकूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम आशी के हिसाब से नहीं आए हैं, उसका ना तो हमारे पास ज़्यादा कुछ खाने पीने का है और ना ज़्यादा हम उसके कपड़े लाए हैं, क्योंकि यहाँ स्नो में थोड़े भीग भी जाते हैं कपड़े, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो हम फंसें। और ये देखिए पूरी घाटी कितनी सफ़ेद है, और देखिए ये दोनों भी आते हुए हमारे चुन्नू मुन्नू ये देखिए पूरे में स्नो ही स्नो, जिंदगी का सबसे ज़्यादा हसीन पल मेरे लिए स्नो।
गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड राइट नाउ आई एम एट हमता पास। और देखो यार, कभी अगर आपने लाइव स्नोफॉल नहीं देखा हो तो इस समय देख सकते हैं। हम लोग इस समय हैं हमता पास, मनाली से 30 किलोमीटर ऊपर, और इस समय यहाँ पर बर्फ पड़ रही है और अमेजिंग व्यूज है यार। ये देखो, ये हमारा छोटा टेडी बियर है एंड ही इज ट्राइंग टू मेक अ स्नोमैन। स्नोमैन बनाने के लिए पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन आई होप ये बन जाए जाने से पहले, क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा तो गाड़ी को ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हमको ये वैली छोड़नी होगी। लेकिन बहुत ही ऑसम व्यू यार, मतलब मजा आ गया आपको। तो गाइज, अब बहुत ज़्यादा स्नो होने के कारण हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है, और आप देखोगे इतना ज़्यादा स्नो हो रहा है कि यहाँ आप कार भी नहीं चला पाएंगे। तो हमारे गाइड साहब ने बोला है कि अब आपको जल्दी से जल्दी ये एरिया छोड़ना होगा ताकि हम लोग सेफली घर पे पहुँचें। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये जो एरिया है थोड़ा ज़्यादा ऊपर था, इसलिए हमें नीचे जाना होगा, लेकिन ये है कि अभी नीचे जाने के बाद हमको अभी चांस मिलेगा और खेलने का। फिलहाल आप देखो कि रोड पूरी तरीके से बर्फ में घिरी हुई है, और यहाँ पैदल चलना भारी पड़ रहा है, तो सोचिए कि कार चलाना कितना भारी पड़ेगा। Make it move, make it groove. हम लोग फंस चुके हैं इस बर्फबारी में, और यहाँ पर अब हमको गाड़ी को ड्राइव करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। आप देखो चारों तरफ स्नो ही स्नो है, और हमारे गाइड भैया गाड़ी की जो हवा है वो निकाल लें ताकि थोड़ा फ्लैट हो जाए टायर और चलने में कोई दिक्कत ना हो। और गाड़ी अब फंसी हुई है यहाँ। अब गाड़ी के ऊपर देखो कितनी बर्फ है, पूरी गाड़ी के ऊपर बर्फ ही बर्फ है। और ये देखो आशी तो अंदर परेशान है, और थोड़ा अब रिस्क आ गया है। रिस्क ये है कि इतनी ज्यादा स्नो है कि गाड़ियां चल नहीं पा रही है। Make it move, make it groove. Like a spirits, I murder with my lyrics. दोस्तों, हम तो पास से तो निकल आए हैं, लेकिन हम फंस चुके हैं, और ये हैं हमारे चिरंजीव भाई,
जो कि हमारे आज ड्राइवर हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे गाइड भी हैं। क्योंकि गाइड इसलिए बोला क्योंकि यही हमें घुमाने लाए हैं और यही हमें समय बता रहे हैं कि कौन सा समय क्या करने का है। तो फिलहाल हम लोग फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई हैं आगे तक और गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लोग मज़े कर रहे हैं बर्फ़ में और स्नोफॉल के मज़े ले रहे हैं। लेकिन भाई गाड़ियाँ जो फंसी हुई हैं ना, ये गाड़ियों का फंसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से निकालना गाड़ी बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। ये देखिए, ये बड़ी गाड़ी फंसी हुई है और ये चल नहीं पा रही है, इनोवा गाड़ी है। और आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद ये गाड़ी चल नहीं पा रही है। यहाँ के ड्राइवर बहुत परेशान हैं, क्योंकि इनोवा में क्या होता है कि फ्रंट व्हील रहती है तो आगे के दो पहिए घूमते हैं इसमें। ये देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है और मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मेरी गाड़ी कौन सी है जिसमें मुझे बैठना है। सब लोग खड़े हैं यहाँ क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, गाड़ियाँ रास्ता साफ है लेकिन चल नहीं पा रही है। अगर आप देखें तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो सिर्फ उसका अगला पहिया ही घूम पाता है। और ये हमारी मैडम मौसम का जायज़ा लेने आ चुकी हैं और ये भी देख रही हैं कि कितना स्नोफॉल हो रहा है। दोस्तों बहुत, मतलब दांत देख रहे हो, मतलब मज़ा आ रहा है। ये देखिए थोड़ा जाम नहीं खुला है लेकिन रिस्क ले कर हमारे जो कैब के ड्राइवर हैं चिरंजीव भाई, वो थोड़ा सा आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप आगे जो ऑल्टो चल रही है, आप इसे देखिए, देखिए कितनी स्किड करेगी ये गाड़ी। अभी यहाँ पर ये है ना, जैसे ब्रेक लगा दिया है, फिलहाल ब्रेक पर रुक गई है, लेकिन अगर चल रही है ना थोड़ी गाड़ी में एक्सेलरेशन है और अगर ब्रेक लगा दिया, अब देखो इसे गाड़ी, अब देखो ये कितनी ज़्यादा बचा के निकालनी पड़ेगी इस इनोवा से। मतलब ओवरटेक ऐसा संभल संभल के करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, गाड़ी फिसल के इस इनोवा में घुस जाएगी और इनोवा का भी नुकसान होगा और ऑल्टो का। इसलिए अब आप देखिए कि यहाँ आने के लिए बहुत ही आपको ट्रेंड ड्राइवर होना जरूरी है। तब ऐसे आप लोग एकदम से ड्राइविंग ना करें यहाँ पर, क्योंकि जहाँ स्नोफॉल हुआ आपकी बैंड बजनी और गाड़ी की। अब आप देखिए ये बेचारा ऑल्टो वाला कितना ज़्यादा स्पेस होने के बावजूद आप देखो कितना बचा कर निकाल रहा है। गाड़ी खड़ी है बराबर में और इससे अब इन्हें बचा कर निकालना है। सॉरी ये इनोवा नहीं बल्कि आई थिंक ब्रीजा गाड़ी है, तो लोग पैदल भी निकल पड़ते हैं। जी हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, कभी आप आए ना तो एक बार कंफर्म कर लें अपने जो ट्रैवल एजेंट है या फिर जो भी आपको लेकर आया, क्योंकि ये लोग यहीं छोड़ देते हैं, बोले भाई जब स्नोफॉल रुक जाएगा सर जब लेकर जाएंगे हम आपको, तो पैदल भी भेज देते हैं, ये ध्यान रखना। सो फिलहाल गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल गई, लेकिन अब ये देखिए फिर ऑल्टो फंसी हुई है। ये देखो कितना स्लोली स्लोली करके देखो निकाल रहा है, देखो बहुत ज़्यादा, देखो कितना ज़्यादा स्लो, इतनी स्लो गाड़ी आपने ज़िंदगी में चला दी देखी होगी। लेकिन ये निकालना है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, देखो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक कदम गाड़ी चलाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। तो कभी अपने प्राइवेट व्हीकल से ना आए दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल आपको चलाना भी पड़ेगा और अपने जान को आपको खतरे में डालना पड़ेगा, नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा, फंस गए तो आपको गाड़ी भी छोड़नी पड़ सकती है। यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि कई कई फीट बर्फ़ पड़ जाती है जिसकी वजह से गाड़ियाँ दब जाती हैं बर्फ़ में। फिलहाल ये देखिए हमारे जो आगे जो ड्राइवर है, जो ऑल्टो का ड्राइवर है, ये देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, अभी तक गाड़ी चली नहीं है, देखिए हल्का हल्का एक एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ रहा है। अगर इन्होंने हल्का से भी एक्सेलरेट कर दिया गाड़ी को, थोड़ी ज़्यादा स्पीड कर दी, तो ये गाड़ी जाकर दूसरी वाली गाड़ी में लग जाएगी और दोनों का नुकसान होगा इसमें, तो कोई भी नहीं चाहता कि नुकसान हो किसी का। अब देखिए कितना ज़्यादा देर हो चुकी है गाड़ी को, बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है और गाड़ी चल नहीं पा रही है। पहले वो गाड़ी हटेगी तब ये गाड़ी निकलेगी, ये ओवरटेक नहीं कर पा रही है गाड़ी, क्योंकि पता है अगर हल्का सा भी किसी भी वजह से गाड़ी फिसली तो गाड़ी एक दूसरे में लग जाएगी। आप देखिए अब गाड़ियाँ चल पड़ी हैं, देखिए आप ये गाड़ी देखिए कैसे लहर रही है, लहर आके बल खा के चल रही है। तो दोस्तों फिलहाल ये मजाक का टॉपिक नहीं है, देखिए यहाँ गाड़ियाँ चलाना, देखिए कितना ज़्यादा बचा रहे हैं और देखो ये फिसल रही है गाड़ी, दिख रहा है आपको ये आगे जा रहे। ऑल्टो को मैंने इसलिए फोकस में लिया है और ये देखिए ये 4x4 होती हैं, ये गाड़ियाँ कितने भी बर्फ़ में चल जाती हैं, हालांकि ये भी फंस जाती हैं, लेकिन ये है कि हाँ ये निकल जाती हैं क्योंकि इसके चारों पहिए घूम जाते हैं, इसीलिए इनको 4x4 बोलते हैं। और ये देखिए मौसम कितना सुहाना है, स्नो हो रहा है और स्नोफॉल के साथ साथ आप देखिए सब कुछ, पूरी घाटी जो है पूरी तरीके से कवर्ड है, पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड है। और जब हम आ रहे थे तो क्या था कि सारी ये जो घाटी थी पूरी की पूरी ये ब्राउन थी, अब पूरी वाइट हो चुकी है। दोस्तों गाड़ी यहाँ चलाना ना बहुत ही मुश्किल काम है, और रात को जब यहाँ पर पानी पड़ता है, ये बर्फ़ पिघल जाती है, तो पूरे में स्नो हो जाता है और वो स्नो
ब्लैक आइस में कन्वर्ट होता है। लगता नहीं है कि यहाँ पर स्नो है, लेकिन एक्चुअल में होता है। ये देखिए, थोड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के नज़ारे दिखाने की कोशिश करते हुए मैं आपका होस्ट आशीष। तो दोस्तों, गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं, दूर दूर तक गाड़ियाँ कोई नहीं चल रही, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही, और हम लोग अब थोड़ा सा घबराने लगे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग प्लेन वाले हैं, हमको ये चीज़ें देखने की आदत नहीं है। अब देखिए आप, ये गाड़ियाँ चल पड़ी हैं यहाँ से, और कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर निकालनी पड़ी आप खुद देख लीजिए कि ये गाड़ियाँ, अगर एक भी गाड़ी फंस गई, ये देखिए ये बंदा देखो, ये लोग होते हैं ना, देखो ये दूसरे का एक्सीडेंट करवा देते हैं। अब देखो ये इसके चक्कर में फंसी है, हालांकि इन्हें ऑल्टो को ही पहले निकालने दिया जाता है, क्योंकि 4x4 तो निकल ही जाती है, थोड़ा मेहनत लगती है लेकिन निकल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल्टो जैसी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी ही रह जाती हैं, तो कोशिश करें 4x4 से आएँ। थोड़ा इसका चार्ज ज़्यादा रहता है, लेकिन दोस्तों सुगम बना देती है आपका रास्ता, फंसने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन ये गाड़ी तो कोई भी फंस सकती है, 4x4 थोड़ा कम फंसती है। तो दोस्तों फिलहाल तो हमारी गाड़ी भी फंसी हुई रही, देखिए ऑल्टो को कितनी मेहनत करके इसे निकाला जा रहा है, और गाड़ी ये फिसल फिसल कर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। देख रहे हैं, दो बंदे कॉन्टीन्यूस पर धक्का लगा रहे हैं, और हमारी गाड़ी इसको फॉलो करते हुए ये आदमी बस बच गया, वरना भी गिर जाता। अब देखिए ये गाड़ी सीधी है, अब ये देखिए क्या हाल हो रहा है, गाड़ी पूरी तिरछी हो चुकी है, मतलब ये की नहीं गई है बल्कि हो गई है। दोस्तों इस आइस में इतना ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है फ्लोर कि रोड पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम, इसीलिए बोला है मैंने भी आपको, कई बार बोल दिया है कि देखिए अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो सिर्फ मनाली अगर उसको छोड़ दीजिए और एक ड्राइवर को ले जाइए, उसी की कैब को ले जाइए, क्योंकि ताकि आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाए। अब फिलहाल हमारे देव ठाकुर जी भी आ रहे हैं, अब हमारी गाड़ी भी निकलेगी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो खुद फंस गई है, मतलब इसको अगर हम चलाना चाह रहे हैं तो चल नहीं रही है, सिर्फ पहिए घुस रहे हैं। तो ये आए हमारे रथ के सारथी और बैठ गए हैं, तो कोशिश पूरी की जा रही है ताकि गाड़ी निकल जाए, लेकिन गाड़ी नहीं निकल पा रही है। और देव ठाकुर जी तो है नहीं आज, चिरंजीव ठाकुर जी हैं आज, देखते हैं कि थोड़ा रिवर्स करके कि गाड़ी निकल जाए। तो हालांकि मैंने अभी एक आदमी को बोला कि भाई भैया प्लीज़ थोड़ा यहाँ पर हमारी गाड़ी को धक्का लगवा दीजिए ताकि थोड़ी गाड़ी आगे चल जाए। अच्छा, धक्का मैं नहीं लगा सकता, अगर मैं लगाऊंगा तो मैं गाड़ी के बाहर रह जाऊंगा, मुझे बैठाने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और वही बात, फिर गाड़ी अगर रुक गई तो फिर निकलनी भारी पड़ेगी। अब फिलहाल हमारी गाड़ी के निकलने के पूरे चांस है, क्योंकि रास्ता साफ़ हो चुका है, बस थोड़ा सा अगर कोई पुश कर दे तो मोमेंटम बन जाएगा और गाड़ी निकल जाएगी। तो ये भैया आए हैं और ये गाड़ी को साइड से पुश कर रहे ताकि एक तरफ ना भागे गाड़ी। ये देखिए पुश किया, और अब देखिए हमारी गाड़ी लगभग निकलने ही वाली है। गाड़ी को पुश करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कंटिन्यू अभी भी स्नोफॉल हो ही रहा है, क्योंकि हम अभी भी लगभग, आप सोचिए हमटा पास पर ही हैं, ये हमटा पास जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और इस पूरे एरिया में स्नोफॉल है। तो अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है दोस्तों, हम लोग आगे जा रहे हैं। अब देखिए कितनी रोड बेहतरीन लग रही है, थोड़ी चौड़ी हो गई है रोड, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत ही सुंदर है हमटा पास सब। देखिए आप देखिए छोटी छोटी गाड़ियाँ कैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे चूहे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो, और स्नोफॉल कंटिन्यू हो रहा है। जब तक ये स्नोफॉल होता रहेगा गाड़ियाँ यहाँ फंसती रहेंगी, और टूरिस्ट को मज़े आते रहेंगे, टूरिस्ट यहाँ मौज करते हैं, और जो ड्राइवर्स होते हैं बेचारे परेशान रहते हैं। अब देखिए गाड़ी को निकालना इस जगह से बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल स्नो अब है तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है रोड पर कि बहुत ज़्यादा वाला था, जैसे आपने देखा था ना ऊपर कई कई, अब आप सोचिए लगभग 5-6 सेंटीमीटर स्नो था कम से कम, अभी फ़िलहाल 2-3 सेंटीमीटर रह गया है, और थोड़ा रास्ता सुगम लग रहा है, और लग रहा है कि अब थोड़ा स्नो कम है, अब गाड़ी को तेज़ चलाया जा सकता है, और गाड़ी हमारी अब शायद मंजिल की तरफ पहुँच ही जाएगी। दोस्तों मुझे तो बहुत डर लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ट्रैवलिंग नहीं किया, और स्नो में तो कभी नहीं मैंने गाड़ी को चलते हुए देखा, हालाँकि मैं भी ड्राइविंग कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे अगर बात की जाए यहाँ तो मैं यहाँ नहीं कर पाता, सच में मैं तो ब्रेक ही लगाता अगर मुझे कोई गाड़ी दिखती आगे, या फिर मुझे ऐसा लगता गाड़ी स्लिप हो रही है तो, या ऐसा होता मैं इसको छोड़कर चले जाता, चाहे मुझे क्यों ना पैदल जाना पड़ता। सो यहाँ पर स्नोफॉल कंटिन्यू हो रहा है, आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन इस समय स्नोफॉल से घिरी हुई है, स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और यार इस टाइप की रोड पर है ना गाड़ी को घुमाना, आप सोचो एक तो गाड़ी स्लिप हो रही है, ऊपर से ये जो मोड़ है इस पर गाड़ी को घुमाना पड़ रहा है,
ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। अच्छी बात क्या है कि सामने अब गाड़ियाँ नहीं है ज़्यादा, तो अगर स्लिप हो रही है तो किसी और गाड़ी में चोट नहीं लगनी या एक्सीडेंट होने के कम चांसेस हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर आप देखें कि रास्ता साफ है थोड़ी तेज़ चलाने लगे। देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में 10 या 20 की स्पीड रखनी होती है गाड़ी की। अगर थोड़ी ज़्यादा आपने की और ब्रेक लगाया तो आप इस पहाड़ी से सीधे नीचे हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए गाड़ियाँ चलाएँ। और देखिए अब थोड़ा रास्ता साफ हो चुका है और हम पहुँचने वाले हैं ऐसी जगह जहाँ सुरक्षित हो थोड़ा और बर्फ़ कम हो। तो गाइस फाइनली हम लोग हमता पास से आ चुके हैं और रास्ते में हैं। अब देखो हल्की बर्फबारी तो है लेकिन अब इतना रिस्क नहीं है। देखिए सड़क अब थोड़ी नॉर्मल हो गई है, बर्फ नहीं है सड़क पे, अब ड्राइविंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके अलावा आप देखो मेरे पीछे यार कितना स्नो पड़ा है, यार कितना स्नो है, मतलब चारों तरफ हेवन ही हेवन दिख रहा है मेरे को तो। यार ये देखो ये हेवन, इसको बोलते हैं यार हेवन, ये इसके लिए हम आए थे हिमाचल और सपना पूरा हुआ, मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत मज़ा। और आज मैंने ज़िंदगी का पहला खतरनाक स्टंट भी देखा गाड़ी सीधी की जगह टेढ़ी चलाई आज तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके अपने होटल की तरफ, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ कर लिया। ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं यार, मतलब एक मिनट को मैं रुक गया, मैंने कहा ड्राइवर साहब जरा एक मिनट रुक दो यार, ये देखो बादल बादल टच कर रहे हैं ये सारे पहाड़ और सारा पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ दूर दूर तक, देख रहे हो कितना सुंदर दृश्य है यार, मतलब मैं तो खो गया इन वादियों में सच में। अब इसे देखकर मुझे लग रहा है यार अगर ये इतना खूबसूरत है तो कश्मीर कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। बहुत ही ज़्यादा स्नो कवर्ड पीक्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल्स, अब होटल जाकर हम लोग स्टे करेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको और भी कुछ दिखाने वाले हैं। जी हाँ बहुत कुछ है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं यहाँ तो। और आज हमने बहुत कुछ देख लिया, स्नोफॉल देख लिया, लोगों को गिरते देख लिया, गाड़ी को फसलते देख लिया, गाड़ी को तिरछी चलते हुए देख लिया, परेशान होते हुए देख लिया और मज़ा भी बहुत देखा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ आज मैं ये चीज़ें देखकर और आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा ये सब देखकर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, अब मैं आपसे लेता हूँ विदा और आप देखिए कुछ बचे हुए बहुत ही सुंदर सुंदर सीन्स। Make it move, make it groove. 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 Make it move, make it groove.